हेलो माय गर्ल्स टुडे वी गोना स्टार्टेड आर प्रो सेक्शन विद अ न्यू चैप्टर माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन ये आपके प्रो सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाय बुकर टी वॉशिंगटन बुकर टी वॉशिंगटन इसके राइटर हैं एंड हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ एम ओके तो माई स्ट्रगल इसकी हिंदी है माय स्ट्रगल माय स्ट्रगल यानी मेरा संघर्ष एन एजुकेशन शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष शिक्षा के लिए ठीक है तो बुकर वाशिंगटन का ये ऐसे है इन्होंने अपने बारे में ही लिखा है ये ऐसे ठीक है तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी हिंदी समझने से पहले हम राइटर के बारे में जान लेते कि राइटर कौन थे और कहाँ पैदा हुए थे ये इतना एग्जाम में नहीं आता है फिर भी आपको पता होना चाहिए बुकट वॉशिंगटन वॉज बोर्न टू अ स्लेव यानी वो एक स्लेव मीन्स दास के घर पैदा हुए थे इट मीन्स 1856 के जिस टाइम वो पैदा हुए थे उस समय दास प्रथा चलती थी तो वो उस समय मजदूर के घर पैदा हुए थे यानी किसी के अंडर काम करते थे तो वो दास के रूप में पैदा हुए थे कहाँ पैदा हुए थे फ्रैंकलिन काउटी वर्जीनिया में बुकर की जो माँ थी वो एक जेम्स बोरो व्यक्ति हैं उनके यहाँ कुक का काम करती थी यानी खाना बनाती थी उनके पिता एक अमेरिकन थे मतलब वाइट डिश बोलते थे उन्हें वाइट मैन जो अमेरिका के होते थे क्योंकि वो गोरे होते थे इसलिए उन्हें वाइट मैन बोलते थे तो वो उसी के पास जहाँ पर उसकी माता काम यानी मदर काम करती थी वहीं उसके आस आस पास ही उसके पापा भी काम करते थे बुकर एंड हिज मदर लिव्ड इन अ वन रूम लॉक कैबिन विद अ लार्ज फायर प्लेस विच ऑल्सो सर्वड एज अ प्लांटेशन किचन यानी जहाँ पर जेम्स बोरो का घर था वहीं पर ये काम भी करती थी और अपने बेटे को साथ लेकर रहती थी ठीक है तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत गरीब थे तो इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ होता है कि बच्चे ये पढ़ते नहीं थे क्योंकि दास थे उस समय दास को पढ़ने का अधिकार नहीं था एक बार इन्होंने वहाँ पर रास्ते में जाते हुए देखा कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी उम्र के तो उन्हें बहुत फील हुआ बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकता उन्हें पढ़ना है ठीक है तो वहाँ के जो उन्होंने अपनी सारी दशा जो प्रकट की है कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया उस दास प्रथा से निकल कर अपने लिए एक अच्छा मुकाम बनाने का पढ़ने का और इतने अच्छे राइटर बनने का कि आप उनकी रचनाएं अब अपनी क्लास में पढ़ रहे हो ठीक है थीके? तो ये था इनके राइटर के बारे में तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं अबाउट द चैप्टर कि चैप्टर के बारे में छोटा सा ब्रीफ दे रखा है कि चैप्टर के अंदर क्या है ये पहले पढ़ लेते हैं हम क्योंकि इससे हमें पता लग जाएगा कि हम आगे चैप्टर को समझने में आसानी होगी ठीक है दिस ऐसे इज एन इंस्पिरेशन फॉर दोज ये जो ऐसे है वो एक प्रेरणा है इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा है फॉर दोज उनके लिए वो आर पुअर जो कि गरीब है एंड विदाउट सोर्सेज और जिनके पास कोई श्रोत नहीं है अपना काम करने का एंड टीचिसर्स और हमें सिखाती है दैट हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी आर दे की पॉइंट्स ऑफ सक्सेस और क्या ये ऐसे हमें क्या सिखाता है कि कड़ी मेहनत और सिंसियरिटी यानि अपने काम को सिंसियरिटी रूप से करना यानि बिना किसी छल से निभाना आर द की पॉइंट्स ऑफ सक्सेस यानी मुख्य बिंदु हैं हमारी सफलता के ठीक है कौन कौन से हार्ड वर्क और हार्ड वर्क को करने में अपनी सिंसियरिटी अपनी अच्छाई को दिखाना एक हमारे मुख्य बिंदु हैं हमारी सफलता में वॉशिंगटन हैड टू लीड अ वेरी हार्ड लाइफ इन हिज अर्ली डेज वॉशिंगटन हैड टू लीड अ वेरी लीड मीन्स होता है जीवन यापन करना वेरी हार्ड लाइफ यानी वॉशिंगटन ने बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत किया था इन हिज अर्ली डेज यानी अपने शुरुआती दिनों में यानी जब वो छोटे थे उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया था बट ही डिड नॉट बिकम एफरेड ऑफ हिज डिफ़िकल्टीज लेकिन ही डिड नॉट बिकम एफरेट लेकिन वो एफरेट मीन्स होता है डरना घबराना हिज डिफ़िकल्टीज डिफ़िकल्टीज होता है परेशानियाँ कठिनाइयाँ यानी वो अपनी परेशानियों से बिल्कुल भी डरे नहीं हिज पॉवर्टी पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी एंड अदर डिफ़िकल्टीज़ और दूसरी परेशानियाँ गेव वे टू हिज करेज गेव वे यानी वो उनसे डरे नहीं बल्कि उस पुरानी कठ कठिनाइयों ने उनकी जो कठिनाइयाँ बचपन में आई थी उन्होंने एक रास्ता दिया उन्हें आगे जाने के लिए देखो देखते हैं हिज़ पॉवर्टी एंड अदर डिफ़िकल्टीज उनकी जो गरीबी थी और दूसरी कठिनाइयाँ थी दूसरी परेशानियाँ थी गेव वे उन्होंने रास्ता दिया टू हिज करेज उनके साहस को एंड रेजोल्यूशन और एक दृढ़ निश्चय बनाने का मन में ठान ली उन्होंने एक रिजोल्यूशन बना लिया कि मुझे आगे बढ़ना है ही हैड नो मनी उनके पास कोई पैसा नहीं था एंड रिसोर्सेज और कोई साधन नहीं था कोई स्रोत नहीं था टू रीच हैम्पटन हैम्पटन जाने के लिए हैम्पटन एक जगह का नाम है जहाँ पर वो पढ़ना चाहते थे वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट था जहाँ वो एडमिशन देना दिलाना चाहते थे अपने आप को यानी खुद चाहते थे कि मैं वहाँ जाकर कर पढ़ूँ एंड गेट एजुकेशन देयर वहाँ पर जाकर शिक्षा प्राप्त करें बट विद स्ट्रांग विल पावर ही वेंट देयर एंड अचीव सक्सेस बट विद स्ट्रांग विल पावर लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से यानी जो दृढ़ इच्छा शक्ति मीन्स होता है कि हमने जो मन में ठान लिया है उसे करने के लिए हम बिल्कुल निडर होकर निश्चित होकर अपने काम में लगे रहें तो विल स्ट्रॉन्ग पावर उन्होंने अपनी दृढ़ मजबूत इच्छा शक्ति से वहाँ गए एंड अचीव सक्सेस अचीवमेंट्स होता है प्राप्त करना और वहाँ सक्सेस को प्राप्त किया यानी उन्हें हेमटन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ वी स्टार्ट ओके वन डे एक दिन एट वर्क यानी एट लेटवर्क होता है कि जब वो काम कर रहे थे इन द कोल माइन, एक कोयले की खान में आई हैपन टू ओवर हीयर आई हैपन टू ओवर हीयर ओवर हीयर का मतलब होता है कि उनके कानों में कुछ सुनाई दिया यानी कोई फुसफुसा के बात कर रहा है या किसी बहुत दूर से बात कर रहा है तो उसका हमारे कानों में पढ़ना या हमें सुनाई देना ओवर ईयर होता है तो आई हैपन आई किसके लिए यूज़ हुआ है यानी राइटर ने ये ऐसे खुद लिखा है तो हमेशा जो आई वर्ड इसमें जो आया है वो राइटर ही है यानी बुकरटी टी वाशिंगटन है तो बुकरटी टी वॉशिंगटन क्या कहते हैं कि मेरे कानों में सुनाई दिया कि टू माइनर्स माइनर्स होते हैं जो खान खोदने वाले होते हैं जो कोयले की खान में खोदने का कार्य करते हैं खनन का कार्य करते हैं ठीक है थीके? तो दो खनन करता टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल किसके बारे में बात कर रहे थे टॉकिंग अबाउट अ महान स्कूल एक महा बड़े स्कूल के बारे में बात कर रहे थे फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्डिजी वर्जीनिया जो कि कलर्ड पीपल यानि किसके लिए था कलर्ड um, से मतलब है यहाँ पर क्योंकि जो गोरे लोग हो गए तो थे उनको वाइट बोलते हैं जो ब्लैकिश होते हैं या इनका हल्का कलर उन्होंने कलर्ड पीपल बोलते हैं तो कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया वर्जीनिया में एक स्कूल था जो कलर्ड पीपल के लिए था वो उसके बारे में दो खननकर्ता बात कर रहे थे दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनी थिंग दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ये पहला समय था दैट आई हैड एवर हर्ड कि मैं पह मैंने पहली बार ये सुना था दैट एनी थिंग अबाउट एनी स्कूल कुछ भी इस प्रकार के स्कूल के बारे में पहली बार सुना था और कॉलेज यानी स्कूल या कॉलेज कुछ भी हो सकता है दैट वॉज मोर प्रिटेंसियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आर हेयर प्रिटेंसियस मीन्स होता है दिखावटी इट मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा शोई हो कि बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा हो या फिर बाहर से किसी के द्वारा अच्छा प्रस्तुत किया जा रहा हो ठीक है तो उसने पहले कभी नहीं सुना था इस तरह के स्कूल के और कॉलेज के बारे में जो इतना दिखावटी हो कि लोग खनन करता उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए था वो स्कूल छोटे कलर्ड लोगों के लिए था उनके कस्बे में एज on ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल एज went ऑन यानी जैसे जैसे वो आगे उस स्कूल का वर्णन करते गए डिस्क्राइबिंग द स्कूल उस स्कूल का वर्णन करते गए इट सीम टू बी मुझे ऐसे लगने लगा दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस कि ये बहुत ही महान स्थान होना चाहिए ऑन अर्थ यानी वो इतनी अच्छी तरीके से उस स्कूल की बात कर रहे थे उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे कि वो बुक वाशिंगटन समझने लगा कि ये सचमुच में ही पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्थान होना चाहिए तो इस तरह से बात कर रहे हैं तो नॉट इवन हेवन प्रजेंटेड मोर अट्रैक्शन नॉट इवन हेवन हेवन मीन्स होता है स्वर्ग यानी स्वर्ग भी उसको इतना अच्छा नहीं लग रह, लगता मोर अट्रैक्शन यानी आकर्षित नहीं करता फॉर मी एट दैट टाइम देन डिड द हेम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया जितना कि उस इंस्टीट्यूट ने किया उस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम दे रखा है देखो हेम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया यानी ये जो इंस्टीट्यूट था वो इतना अट्रैक्टिव लग रहा था मुझे इतना तो अट्रैक्टिव मुझे स्वर्ग भी नहीं लगा अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग जिसके बारे में ये दो व्यक्ति बात कर रहे थे आई रिजोल्व यानी रिजोल्व मीस होता है निश्चित कर लेना एकदम से एटवंस आई एट एटवंस मैंने तुरंत ही निश्चित कर लिया टू गो टू दैट स्कूल उस स्कूल में जाने का ऑल दो हालांकि आई हैड नो आइडिया मेरे पास कोई आइडिया या योजना नहीं थी वेयर इट वॉज कि ये कहाँ है और हाउ मनी माइल्स अवे और ये कितना दूर है हाउ मनी माइल्स में से होता है कितना मील दूर है उसे ये भी नहीं पता था और हाउ आई वॉज़ गोइंग टू रीच इट कि कैसे मैं वहाँ पर जाऊँगा मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा ओके आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन आई वॉज ऑन फायर एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइट होना बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना किसी भी चीज़ के लिए जैसे हमारे मन का कुछ होने आ, होने वाला होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये चीज़ होने वाली है तो उसके लिए उस स्थिति के लिए आई वॉज ऑन फायर यूज़ करते हैं ठीक है थीके? तो आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली लगातार में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था एक्साइटेड था उत्तेजित था, था विद वन एम्बिशन एक निश्चित लक्ष्य के लक्ष्य के लिए और वो लक्ष्य कौन सा था एंड दैट वॉज टू गो टू हेम्पटन और वो लक्ष्य करता हैम्पटन जाने का दिस थाट वॉज मिथ मी डे एंड नाइट ये जो विचार था मेरे साथ हर वक्त रहता था डे एंड नाइट दिन में भी रात में भी यानी दिन रात वो हैम्पटन स्कूल के बारे में सोचता रहता था इन द फॉल ऑफ एटीन सेवेंटी टू फॉल इन द फॉल मीन्स होता है जो हमारे सीजन होते हैं यानी ये जो मौसम होते हैं सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ तो अमेरिका में फॉल को पतझड़ बोलते हैं ठीक है स्प्रिंग सीजन बोलते हैं जिसमें इन द फॉल ऑफ 1872 यानी अठारह के पतझड़ के मौसम में आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफोर्ट आई डिटरमाइंड होता है मैंने निश्चित किया यानी अपना मन बनाया टू मेक एन एफर्ट एक कोशिश की टू गेट देयर एक निश्चय बना अपने मन में कि मुझे वहाँ जाना चाहिए टू गेट देयर माई मदर वॉज ट्रबल्ड मेरी माँ बहुत परेशानी में थी यानी उसकी माँ बहुत दुखी थी कि वो बिना पैसों के बिना बिना किसी वित्तीय सहायता के यानी उसके पास कोई पैसे नहीं थे वो वहाँ जा रहा था उसकी माँ बहुत परेशान थी और बीमार भी थी विद अ ग्रेव फियर यानी वो एक बहुत ही डर लगा हुआ था उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था जब वो उसे वहाँ जाने के लिए स्वीकृति दे रही थी आई वॉज स्टार्टिंग आउट क्योंकि वो सोच रही थी क्या सोच रही थी आई वॉज स्टार्टिंग आउट कि मैं क्या शुरू करने जा रहा हूँ अ वाइल्ड गूज चीज़ वाइल्ड गोज चेज एक ईडियम है इसका मतलब होता है कि असंभव चीज़ के पीछे भागना वाइल्ड गोज चेज वाइल्ड मीन्स होता है जंगली गूज माने होता है बत्तख चेज़ माने होता है किसी का पीछा करना तो जो जंगली बत्तख होती है ना बहुत तेज भागती है तो उसको पकड़ पाना बहुत ही असंभव है इसीलिए इसका फ्रेज यूज़ होता है कि वाइल्ड गोज चेज असंभव की खोज में जा रहा था इसीलिए उसकी माता बहुत परेशान थी एट एनी रेट किसी भी कीमत पर आई गॉट ओनली हाफ हर्टिड आई गॉट मैंने मुझे प्राप्त हुआ ओनली केवल हाफ हर्टिड कंसेंट कंसेंट में होता है स्वीकृति हाफ हर्टिड होता है आधे मन से यानी उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो जाए लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए उसने आधे मन से उसको स्वीकृति दे दी फ्रॉम हर अपनी तरफ से दैट आई माइट स्टार्ट कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए आई हैड वेरी लिटिल मनी मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे विद विच टू बाई क्लॉथ्स कि मैं उससे कुछ कपड़े भी नहीं खरीद सकता था एंड पे माय ट्रैवलिंग यानी उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था वो सिर्फ थोड़े से अपने कपड़े ख़रीद सकता था एंड पे माय और अपने ख़ुद के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है हमारा यात्रा भत्ता यानी जब वो वहाँ जाता तो किसी न किसी में तो बैठता गाड़ी में ट्रेन में बस में तो वहाँ पर जाने के लिए उसे यात्रा भत्ता बहुत कम था माय ब्रदर जॉन उसका भाई का नाम है जॉन मेरे भाई जॉन ने मेरी बहुत मदद की जितना वो कर सकता था देन ही कुड जितना वो कर सकता था बट लेकिन ऑफकोर्स वास्तव में दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील वो इतनी बड़ी मदद नहीं थी यानी उसका भाई भी इतनी मदद नहीं कर सका कि वो वहाँ पहुँच सके फाइनली द ग्रेट डे केम अंत में वो महान दिन आ ही गया एंड आई स्टार्ट फॉर हैम्पटन और मैंने हैम्पटन के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल आई हैड ओनली यानी सिर्फ मेरे पास केवल क्या था एक छोटा सस्ता सेचल सेचल होता है बोरे का बना हुआ थैला ठीक है बोरी का बना हुआ जो जूट का बना हुआ होता है ना वो सैचल बोलते हैं उसको छोटे से थैले को मेरे पास एक छोटा सा सस्ता सा साचल था यानी थैला था दैट कंटेन द फ्यू आर्टिकल्स कंटेन मतलब उसमें क्या क्या रखा हुआ था वो बता रहे हैं द फ्यू आर्टिकल्स कुछ सामान रखे हुए थे ऑफ क्लोदिंग कपड़ों की एंड आई कुड गेट जितना मैं ले सकता था मैंने उसमें रख लिया माई मदर एट द टाइम मेरी माता उस समय जब वो वहाँ से घर से हैम्पटन के लिए जा रहा था वाज रादर वीक एंड ब्रोकर इन हेल्थ वो बहुत ही कमजोर वीक मींस होता है कमज़ोर एंड ब्रोकन इन रेल और स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी मतलब वो बहुत कमज़ोर थी क्योंकि वो जा रहा था और बीमार भी थी आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सीयर अगेन हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से ही एक्सपेक्टेड माने अनुमान लगाना या किसी से अनुमानित वे में सोचना आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी ईयर अगेन मैं बहुत ही मुश्किल से सोच पा रहा था कि अगर मैं वापस आऊँगा तो अपनी मम्मी को देख पाऊँगा या नहीं यानी उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मम्मी बचेंगी या नहीं एंड दस और इस प्रकार आर पार्टिंग हमारा जो विभाजन था मतलब हमारा जो बिछड़न था यानी पार्टिंग होता है एक व्यक्ति से दूर होना यानी अपनी माता से दूर हो रहा था तो उनका जो विभाजन था वाज ऑल द मोर सैड बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाला था सी हाओ एवर वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल लेकिन तथापि फिर भी वो पूरे समय बहादुर की तरह अपने आप को दिखाती रही ठीक है द डिस्टेंस डिस्टेंस होता है दूरी फ्रॉम माल्डन टू हेमटन इज अबाउट फाइव हंड्रेड माइल्स माल्डन उस जगह का नाम है जहां पर वो रह रहा था तो जो माल्डन की माल्डन से हेम्पटन की दूरी थी वो कितनी थी फाइव हंड्रेड माइल्स पांच पांच सौ मील दूर था वो बाय वॉकिंग यानी पैदल चलकर बैगिंग राइड्स बैगिंग राइड्स मतलब होता है राइड माने किसी की सवारी करना बैगिंग माने वैसे होता है भीख मांगना यानी लिफ्ट मांगना यहाँ पे आएगा बैगिंग राइड का मतलब होगा लिफ्ट मांगना यानी लिफ्ट मांगकर बैगन्स यानी लकड़ी की गाड़ी में इन कार्स कार में इन दोनों में वो लिफ्ट मांगकर और पैदल चलकर गया इन सम वे और कुछ रास्तों में आफ्टर अ आफ्टर ए नंबर ऑफ़ डेज़ यानी कुछ दिनों बाद आई रीच सिटी ऑफ रिचमंड मैं रीच मीन्स होता है पहुंच गया सिटी ऑफ रिचमंड रिचमंड सिटी में पहुंच गया जो वर्जीनिया की रिचमंड सिटी में मैं पहुंच गया ठीक है अभी वो फाइनली हेम्पटन नहीं पहुंचा है उसके बीच में एक रिचमंड जगह है वो वहाँ पहुंच चुका है अबाउट एटी टू माइल्स फ्रॉम हेम्पटन जो कि रिचमंड रिचमंडन से कितनी दूर बचा है अब एटी टू मील बचा है ठीक है यानी 500 मील उसकी कुल दूरी थी 82 मील अब उसकी बची है फाइनली वो पूरी इतनी कर चुका है मैन आई रीच देयर जब मैं वहाँ पहुँचा यानी जब वो रिचमंड पहुँचा कैसा था वहाँ पर वॉशिंगटन जब पहुँचा था अपने आप को कैसा पाया उसने टायर्ड बहुत ही थका हुआ हंगरी भूखा एंड डर्टी यानी बहुत दिनों से वो नहाया नहीं था कपड़े बदले नहीं थे तो बहुत ही गंदा लग रहा था इट वॉज लेट इन द नाइट और रिचमंड था जब रात हो चुकी थी आई नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी यानी मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं गया था आई हैड नेवर बीन यूज होता है कहीं ना जाने के लिए करते हैं आई हैव नेवर बीन टू आगरा आई हैव लखनऊ आई टू लंडन ठीक है तो इसके लिए यूज़ करते हैं आई हर नेवी बिन बीन इन अ लार्ज सिटी में इतने बड़े शहर में पहले कभी नहीं गया था एंड दिस रादर एडिड टू माई माइजरी माइजरी मीन्स होता है दरिद्रता गरीबी ठीक है और कंजूसी भी होता है माइजर तो दिस एडिट यानी जो बड़े शहर में जाना ये उसकी दरिद्रता में और जोड़ दिया उसने क्योंकि बड़े शहरों में और ज़्यादा खर्चा होता है किसी भी चीज़ के लिए तो उसकी दरिद्रता में और ज़्यादा दुख जुड़ गया वेन आई रीच्ड रिचमंड जब मैं रिचमंड पहुँचा आई वॉज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी आउट ऑफ मनी होता है कि पैसे से बिल्कुल ख़त्म हो जाना यानी उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वटेंस इन द प्लेस आई हैड नॉट अ सिंगल यानी मेरे पास एक भी एक्वटेंस होता है किसी भी परिचित का होना किसी जैसे हम किसी नए स्थान पर जा रहे हैं तो कोई हम आप रिश्तेदार रहता है कोई दोस्त रहता है तो वहाँ पर उसका उस स्थान पर उसका कोई परिचित व्यक्ति नहीं था एंड बींग अनयूज टू सिटी वेज बींग मीन्स होता है होने होने पर अनयूज अनयूज यानी उसकी अनयूज टू सिटी वेज सिटी वेज यानी उस शहर के रास्तों से वो बिल्कुल यूज नहीं थे यानी उस शहर में पहले कभी नहीं आता कभी उसने वो रास्ते उपयोग में नहीं लाए थे तो उनके लिए बहुत वो अनयूज़ थे उसने उनको यूज़ नहीं किया था बहुत नए रास्ते थे उसके लिए आई didn't नो वेयर टू गो उसे नहीं पता था मुझे नहीं पता था कि मैं मुझे कहाँ जाना है आई आस्क सेवरल प्लेसेज मैंने कई सारी जगह, जगह पूछा फॉर लॉजिंग आई आस्क सेवरल मीन्स होता है बहुत सारी जगह आस्क मीन्स पूछना बहुत सारी जगह पूछा फॉर लॉजिंग लॉजिंग माने होता है किराए पर मकान लेकर रहना ठीक है किराए पर या कमरा लेकर रहना सराय भी बोलते हैं इसको उसके लिए पूछा बट दे ऑल वॉन्टिड मनी लेकिन दे वो सब क्या चाहते थे जिनसे वो पूछा था ऑल वॉन्टिड मनी सब पैसा चाहते थे वॉन्ट मीन जाना पैसा चाहते थे एंड दैट वॉज एंड दैट वॉज वॉट आई डिडन्ट हैव और जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं थी डिडेंट हैव मतलब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था नोइंग नथिंग कुछ ना जानने पर एल्स बेटर टू डू मुझे क्या करना सही लगा बेटर क्या लगा मुझे करना आई वॉक द स्ट्रीट वॉक मीन्स पैदल चलना स्ट्रीट मीन्स गलिया यानी मैं वहाँ शहर की गलियों में पैदल चलना स्टार्ट कर दिया जब उसे कोई जगह नहीं मिल रही थी कोई किराए के लिए घर नहीं दे रहा था उसके पास पैसे नहीं थे तो वो उस पर मतलब गलियों में पैदल चलना स्टार्ट कर दिया आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिड नाइट मुझे मस्ट है यानी चलना ही था चलना चाहिए था वॉक द स्ट्रीट गलियों में टिल आफ्टर मिड नाइट मिड नाइट होता है आधी रात तक मुझे पैदल ही चलना था क्यों चलना था उसे पैदल क्योंकि उसे ऐसा जगह ढूंढनी थी अपने लिए कि वो आराम से सो सके क्योंकि उसे किराए के लिए घर नहीं मिल रहा था इसलिए वो आधी रात तक पैदल ही चलता रहा एट लास्ट अंत में आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड एग्जॉस्ट होता है थक जाना बहुत ही बुरी तरह थक जाना एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह थक चुका था दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर आई कुड वॉक नो लॉन्गर यानी इससे ज़्यादा मैं चल नहीं सकता था आवाज़ टायर्ड मैं बहुत थका हुआ था आवाज़ हंग्री मैं बहुत भूखा था आई वाज एवरी थिंग मैं सब कुछ था भूखा था प्यासा था थका हुआ था बट लेकिन डिस्करेज यानी हतोत्साहित नहीं था यानी उसके अंदर उत्साह अभी भी भरा हुआ था हैम्पटन जाने का जस्ट अबाउट द टाइम वैन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्शन जब वो समय आया वैन आई रीच जहाँ मैं पहुँचा एक्सट्रीम यानी बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एग्जॉक्शन शारीरिक थकावट की ओर जब मैं पहुँचा यानी उसका शरीर इतना जब थक चुका था आई केम अपॉन अ पोशन पोशन माने होता है भाग के मौन मैं मैंने उस जगह या उस भाग पर आया ऑफ ए स्ट्रीट उस गली की एक गली की वे आर द ब्रॉड साइड वॉक वॉस कंसिडरेबली एलिवेटेड वे आर द ब्रॉड ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा साइड वॉक यानी सड़क के किनारे एक चौड़ा रास्ता बना हुआ था साइड वॉक वस कंसिडरेबली जो काफ़ी हद तक एलिटेड ऊँचा उठा हुआ था एलिटर एलिटर एलिट सर से एलिवेटेड वर्ड से एलिवेटर बना है एलिवेटर होता है लिफ्ट ठीक है जो हमें नीचे से ऊपर उठा कर ले जाती है ठीक तो है तो एलिवेटेड कंसीडरेबल काफी हद तक कुछ वो जो स्थान था ऊपर उठा हुआ था यानी सड़क के किनारे एक स्थान था जो चलने पैदल चलने के लिए था वो कुछ ऊंचा उठा हुआ था आई waited for a few minutes मैंने कुछ मिनट तक इंतजार किया टिल जब तक कि आई वाज़ श्योर मैं यह निश्चित नहीं हो गया दट नो पासर्स बाय see मी पासर्स बाय माने होता है कि रास्ते में पैदल चलने वाले लोग ठीक है पासर्स बाय रास्ते में आने इधर उधर जाने वाले लोग कि कोई पासर बाई यानी कोई यात्री कुर्ड सी मी मुझे ना देख सके एंड देन क्रैफ्ट क्रैफ्ट मीन्स होता है रेंग कर जाना यानी अपने घुटने और कोहनी के बल पर पैदल चलना और क्रैप्टर अंदर रेंक कर अंडर द साइड वॉक उस ऊँचे उठे हुए ऊँचे उठा जो भाग था उसके नीचे में रेंक कर गया एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड ले मींस होता लेटना और मैं उस रात के लिए वहाँ ग्राउंड पर ज़मीन पर लेट गया विद माई सैचल उस छोटे से थैले के साथ ऑफ क्लोदिंग जो मेरा कपड़े का थैला था फॉर अ प्लो प्लो मींस होता तकिया मैंने मैंने अपने छोटे से थैले का अपना तकिया बनाकर वहाँ लेट गया नियरलील नाइट यानी लगभग सारी रात आई कुड हीयर मैं सुन सकता था द ट्रैम्प ट्रैम्प होता है ट्रैम्प ऑफ फीट यानी पैरों के चलने की आवाज़ यानी वो साइड वॉक के नीचे उस कुछ ऊंचे उठे हुए भाग के नीचे लेटा हुआ था तो जो भी उसके ऊपर से जा रहा था उनके पैरों की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हैड यानी मेरे सर पर वो पूरी रात आवाज़ें मेरे सर पर सुनाई देती रही द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह आई फाउंड माई सेल्फ मैंने अपने आप को पाया फाउंड मीन्स पाना माई सेल्फ यानी ख़ुद को मैंने अपने आप को पाया सम वॉट रिफ्रेश कुछ हद तक रिफ्रेश मतलब कुछ हद तक वो तरोताज़ा पाया अपने आप को क्योंकि वो थोड़ा बहुत आराम कर चुका था नींद तो नहीं आई थी उसको क्योंकि उसके पैरों की आवाज़ आ रही थी पूरी रात बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा भूखा था एज सुन एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी एज सुन एज जैसे जैसे बिक इट बिकेम लाइट यानी जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जा रही थी यानी जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता जा रहा था इनफ फॉर मी इनफ मीन्स होता है काफ़ी मेरे लिए काफ़ी था टू सी माई सराउंडिंग्स सराउंडिंग्स मन में होता है कि जो भी हमारे चारों तरफ है वो सराउंडिंग्स में आता है हमारे कि जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता जा रहा था जैसे जैसे मेरे लिए काफ़ी लाइट होती जा रही थी कि मैं अपने चारों तरफ जो भी हो रहा है उसको देख देख सकूं आई नोटिस मैंने आई नोटिस किया यानी उसने देखा I, uh, I was near a large ship. मैं एक एक बड़े शिप के पास हूँ इट सीम टू बी अनलोडिंग ऐसा लग रहा था अक, अनलोडिंग है कार्गो ऑफ पिग आयरन पिग आयरन होता है मतलब कच्चा लोहा ठीक है तो अनलोडिंग होता है लोड करना होता है किसी चीज़ को चढ़ाना किसी चीज़ में किसी चीज़ को रखना अनलोडिंग होता है कि उस चीज़ को सामान को उतारना यानी वो ऐसा लग रहा था जैसे उससे कच्चा जो लोहा है उस जहाज से उतारा जा रहा था आई वेंट एट वंस वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है यानी वो वहाँ गया मैं वहाँ पर एकदम गया एटवान्स तुरंत ही मैं वहाँ गया एड टू द वैसल वैसल माने भी जहाज़ होता है शिप माने भी जहाज़ होता है वैसल माने पानी का जहाज उस जहाज़ की तरफ गया एंड आज द कैप्टन और कैप्टन से पूछा जहाज़ का जो मेन हैड होता है यानी जो जहाज़ चलाता है या ओनर होता है जो उसका उसको कैप्टन बोलते हैं तो उसने वहाँ जाकर कैप्टन से पूछा टू परमिट मी कि उसे स्वीकृति हेल्प, उसकी सहायता करने के लिए अनहो, अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड कि वो कह रहा था उस कैप्टन से जाके कि मुझे उस जहाज़ पर सामान उतारने के लिए मुझे स्वीकृति दे जिससे कि वो पैसा मिल सके क्योंकि वो पैसे पैसे के लिए कह रहा था कि वो पैसा मिल सके खाना खाने के लिए यानी उसने कैप्टन से जाके पूछा कि क्या मैं सामान उतारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जिससे कि मुझे पैसे मिल जाएं और मैं खाना खा सकूँ द कैप्टन कैप्टन अ वाइट मैन जो एक ही एक सफ़ेद आदमी था यानी कि अमेरिकन था हु हुम टू बी काइंड हर्टेड वो प्रतीत हो रहा सीम्ड सीम्स होता प्रतीत हो वो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे वो काइंड हर्टेड है जैसे वो दयालु प्रवृत्ति का था कंसेंटेड जल्दी से मान गया यानी स्वीकृति दे दी आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी आई वर्क मैंने काम किया लॉन्ग इतना काम किया काफ़ी काम किया टू अर्न मनी पैसे कमाने के लिए फॉर माई ब्रेकफास्ट यानी अपने नाश्ते के लिए उसने लगभग काम कर लिया था इतना काम किया एंड इट्स सीम टू मी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था एज आई रिमेंबर इट नाउ कि जहाँ तक मुझे याद रिमेंबर यानी मुझे याद है नाउ कि अब तक मुझे जो याद है टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट यानी मेरे अब तक का कि जहाँ तक उसे प्र, ऐसा प्रतीत हो रहा कि जहाँ तक मुझे याद है कि मेरा आज तक का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था दैट आई हैव एवर ईटन जो भी मैंने पहले कभी खाया हो ठीक है यानी वो उसका यानी बुकर टी का अब तक का सबसे बेस्ट नाश्ता था क्योंकि क्यों था उसका सबसे बेस्ट नाश्ता क्योंकि उसने खुद मेहनत करके क्योंकि वो पहले से बहुत भूखा था खुद मेहनत करी भूखे होने के बावजूद उसके बाद जो उसे पैसे मिले उससे उसने ब्रेकफास्ट लिया इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसका ज़िंदगी का सबसे अब तक का सबसे बेस्ट नाश्ता है ठीक है अभी मैं आपको यहीं तक पढ़ाती हूँ नेक्स्ट वीडियो आपका आगे का चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी ठीक है